तो हे गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फोटोशॉप में आप एक फेक डुअल लाइट इफेक्ट कैसे बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई पोर्ट्रेट है और आप उसको क्रिएटिव किस्म का बनाना चाह रहे हैं तो आप उस पर एक फेक डुअल लाइट इफेक्ट बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ, तो लाजमी वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप ये फोटो देख सकते हैं जिसमें हम एक फेक डुअल लाइट इफेक्ट बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपना ये वाला टूल सेलेक्ट कर लेना है। देखें, इसे सेलेक्ट करने के बाद आपने अपनी फोटो पे चले जाना और आपने अपनी फोटो के दरमियान में इसे इस तरह रख देना है। देखें, जहाँ पे भी आपकी फोटो का दरमियान हो इसे आपने वहाँ पे इस तरह सेट कर देना है। देखें, इसके बाद सिंपल आपने यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है और आपके पास एक लेयर बन जाएगी। देखें, लेयर वन। इसके बाद सिंपल आपने ब्रश टूल पे चले जाना है। ये देखें ब्रश टूल, इसकी ओपोसिटी आप देखें आपने 100 पे कर देनी है। ये देखें 100 पे। इसके बाद इसमें आपने कलर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं पहले ब्लू कलर लगाऊंगा, तो आपने भी पहले ब्लू कर लेना है। देखें, इस तरह आपने अपने ब्रश का साइज बड़ा रखना है, इसे यहाँ पे क्लिक कर देना है। देखें, सिंपल इस तरह क्लिक किया मैंने। इसके बाद मैंने इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर देना है, इसे मैंने सॉफ्ट लाइट पे कर देना है। देखें, सॉफ्ट लाइट पे कर दिया। फिर मैंने अपना सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना है और अपनी सिलेक्शन को सिलेक्ट इन्वर्स कर देना है। देखें, साइड क्लिक करना है और सिलेक्ट इन्वर्स। इसके बाद फिर मैंने प्लस पर क्लिक करना है। देखें, और अब मैंने रेड कलर सेलेक्ट करना है। देखें, ब्रश टूल में रेड पे आ गया हूँ। देखें, और इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद मैंने ब्रश टूल को लिया और सिंपल जिस तरह उस तरह क्लिक किया था इसे भी इस तरह क्लिक कर देना है। देखें, यहाँ पे भी मैंने क्लिक कर दिया। इसके बाद मैंने इसका भी ब्लेंडिंग मोड सॉफ्ट लाइट पे कर देना है। देखें, सॉफ्ट लाइट। इसके बाद सिलेक्शन को मैंने डिसलेक्ट करना है। देखें, तो आप देख सकते हैं हमारा इफेक्ट बन चुका है, लेकिन ये दरमियान में एक लाइन आ रही है, ये देखें, इसे हमें ख़त्म करना है। इसे ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हमने जूम करना है, कंट्रोल टी से हमने अपने ये कलर को उठा लेना है और इसे अपने थोड़े से आगे कर देना है। देखें, यहाँ तक मैं कर देता हूँ। देखें, इसी तरह हमने अपने ब्लू को भी कंट्रोल टी से उठा लेना है और थोड़ा सा आगे कर देना है। देखें, यहाँ तक मैं कर देता हूँ। इसके बाद ओके कर देना है आपने। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपना रेजर टूल ले लेना है। देखें, और सिंपल आपने इसे अरेज कर देना है। ये देखें, मैं करने वाला हूँ। पहले आप रेड को कर लें, रेड इस तरफ वाला। ये देखें, आप रेड को थोड़ा थोड़ा सा साइडों से कर दें। देखें, बस इतना। तो इस तरीके से आप अपनी फ़ोटो से इसे अरेज कर दें। ये देखें, इसी तरह हम ब्लू को भी रेज कर देंगे थोड़ा थोड़ा सा साइडों से। ये देखें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा डुअल लाइट इफेक्ट बन चुका है, लेकिन ये अभी इतना ओरिजिनल नहीं लग रहा। तो ओरिजिनल करने के लिए हमें क्या करना है कि हम अपनी स्किन का रिटच करेंगे, जिससे ये दोनों कलर मिक्स हो जाएंगे और एक प्रॉपर डुअल लाइट इफेक्ट बन जाएगा। इसी तरह हम अपने बैकग्राउंड को भी मिक्स करेंगे, हमारा बैकग्राउंड भी एक ओरिजिनल डुअल लाइट इफेक्ट टाइप में बन जाएगा। तो हमने क्या करना है, सिंपल लेयर्स को मर्ज कर देना है। पहले कंट्रोल शिफ्ट ई से, ये देखें, लेयर्स को मैंने कर दिया है मर्ज। इसके बाद मैं थोड़ी सी इसकी बेसिक सेटिंग कर लेता हूँ। ये देखें, यहाँ पर मैं इसका थोड़ा सा कंट्रास्ट बढ़ा लेता हूँ, हाईलाइट थोड़े से शेडोज़ बढ़ा लेता हूँ, इसके बाद वाइट्स और ब्लैक्स। इसके बाद मैं इसे कर देता हूँ ओके। तो यहाँ पे मैं अपना स्किन रिटच करता हूँ, जिससे ये देखें ये दोनों कलर्स प्रॉपर मैच हो जाएंगे। तो सिंपल मैंने दो लेयर्स बनाने हैं कंट्रोल जे से। देखें, लेयर वन और लेयर वन की कॉपी। तो लेयर वन पर मैंने लगा देना है गाशियन ब्लर, फिल्टर पर जाके ब्लर पर जाके गाशियन ब्लर 2.5 का। इसके बाद लेयर वन की कॉपी पर लगाना है हाई पास, अदर पर आके हाई पास पर, और ये 1.2 का लगा देना है। इसके बाद इसका ब्लेंडिंग मोड लीनियर लाइट पे कर देना है। देखिए, इसके बाद मैंने मिक्सचर ब्रश टूल सेलेक्ट करना है और मैंने अपनी स्किन को इसे रीटच कर लेना है। ये देखें, ये मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, ये हम दरमियान में जब इस तरह करेंगे तो हमारे कलर दोनों मिक्स हो जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने दोनों कलर्स को मिक्स कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। तो स्किन रीटच पर मैंने डिटेल पर वीडियोज़ बनाई हुई है, वो भी जाके चेक कर सकते हैं, उससे आपको ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा स्किन को कैसे रीटच करना है। तो यहाँ पे मैं अपना रीटच कर लेता हूँ और दोनों कलर को प्रॉपर तरीके से मैच कर लेता हूँ। तो आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, जब आपने रीटच करना है दोनों कलर्स को प्रॉपर मैच कर देना है, जिससे हमारा एक रियल डुअल लाइट इफेक्ट बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं आप, तो यहाँ पे मैं जल्दी से अपना स्किन रीटच कम्प्लीट कर लेता हूँ।
तो आप देख सकते हैं रिटच करने के बाद हमारे कलर प्रॉपर मैच हो चुके हैं और एक ओरिजिनल किस्म का डुअल लाइट इफेक्ट बन चुका है। इसके बाद हमारा बैकग्राउंड रह गया, तो हम अपने बैकग्राउंड को ठीक कर लेते हैं। तो सिंपल मैं लेयर्स को मर्ज कर लेता हूँ कंट्रोल शिफ्ट ई से। तो इसके बाद मैं सिंपल अपने पोर्ट्रेट को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, यहाँ पर देखें थोड़ा सा मैं इसे यहाँ पर सेट कर लेता हूँ इस जगह पर। इसके बाद देखिए मैंने अपने बैकग्राउंड को ठीक करना है। मेरा फेस तो ठीक हो चुका है लेकिन अब मैंने अपने बैकग्राउंड को ठीक करना है। उसके लिए मैंने अपने बैकग्राउंड को सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है, सिलेक्शन टूल पर जाकर सेलेक्ट सब्जेक्ट, इस तरह आपने अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कोई सिलेक्शन अगर रहती हो तो आपने वो ठीक कर लेनी है। यहाँ पर मेरी सिलेक्शन तकरीबन ठीक ही है। इसके बाद इस पर मैंने लगाना है दो का फीदर, देखें इस तरह दो का फीदर। इसके बाद मैंने इस पर सिलेक्ट एंड मास्क करना है, माउस से साइड क्लिक करना है और सिलेक्ट एंड मास्क पर चले जाना है और अपने सारे हेयर्स को सिलेक्ट कर लेना है। देखें इस तरीके से मैंने अपने सारे हेयर्स को सिलेक्ट कर लेना। जब आपने भी अपने पोर्ट्रेट का बैकग्राउंड चेंज करना है तो आपने भी ऐसे ही करना है। देखें सारे हेयर्स इस तरह मैंने सिलेक्ट कर लेने। ये वाला टूल आपने यूज़ करना है सेकंड वाला, इससे आप अपने हेयर्स का छोटे छोटे हेयर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और जब आप बैकग्राउंड कट करेंगे तो बिल्कुल ओरिजिनल ही लगेंगे आपके हेयर्स। जिस तरह आपके इस बैकग्राउंड पर थे उस बैकग्राउंड पर भी आपके इसी तरह ही आपके हेयर्स जाएंगे। इसी तरह मैंने अपने बियर्ड को भी सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मैंने इसे कर देना है ओके। ओके करने के बाद मैंने एक लेयर बनानी है कंट्रोल जे से, ये देखें। और लेयर बनाने के बाद मैंने कंट्रोल प्रेस करके रखना है और लेयर के दरमियान में क्लिक करना है, तो मेरी सिलेक्शन वापस आ जाएगी। इसके बाद मैंने बैकग्राउंड वाले लेयर पे वापस जाना है और अपनी सिलेक्शन को सिलेक्ट इन्वर्स कर देना है और फिर दोबारा से एक लेयर बनानी है कंट्रोल जे से। ये देखिए मेरे पास एक और लेयर बन गई है, लेयर टू। लेयर टू पर मैंने मिक्सर ब्रश टूल यूज़ करना है, ये देखें। इसकी ओपेसिटी मैंने थोड़ी सी बढ़ा लेनी है और मैंने अपने कलर को देखिए मिक्स कर देना है इस तरीके से। ये देखें कलर मैंने अपना थोड़ा सा कम कर देना है, पूरी फोटो पे कर देना है। अगर आप यहाँ से अपने बैकग्राउंड को ब्लैक भी करना चाहें तो ब्लैक भी कर सकते हैं। ये देखें जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, तो ये कलर मेरे बैकग्राउंड पे इतने अच्छे नहीं लग रहे इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्लैक कर रहा हूँ। तो आप भी अपने फोटो के हिसाब से कर सकते हैं, आप इन्हें ब्लैक करना चाहें इस तरह मिक्सर ब्रश टूल से। यहाँ से आपने ब्लैक कलर को अपने मिक्स करते हुए कलर की तरफ ले जाना है जिससे आपका बैकग्राउंड भी ब्लैक हो जाएगा। तो इसके बाद आपने कंट्रोल यू प्रेस करना है, देखें लेयर टू पे आ गया। आपने कंट्रोल यू प्रेस करना है और आपने अपने कलर्स को थोड़ा सा कम कर लेना है। ये देखें यहाँ से देख सकते हैं आप, तो यहाँ से आप इसे थोड़ा सा कम कर लें करीबन यहाँ पे। इसके बाद आप कंट्रोल शिफ्ट ई से मर्ज कर दें, तो आप देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड और फेस प्रॉपर एक ओरिजिनल लग रहा है, जिस तरह एक ओरिजिनल लाइटें हमने यूज़ की हैं फेस पे। तो इस तरीके से आपने अपने डुअल लाइट इफेक्ट को बना लेना है। तो इस तरीके से आपने अपने बैकग्राउंड को भी ठीक कर लेना है। इसके बाद सिंपल आपने कलर ग्रेडिंग कर देनी है जिससे आपके दोनों बैकग्राउंड मैच हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक सेटिंग कर लेता हूँ, कंट्रास्ट और ब्लैक थोड़े से बढ़ा देता हूँ और यहाँ पे मैं आगे थोड़े से कलर्स को बढ़ा देता हूँ। ये देखें यहाँ से, और कलर्स की यहाँ से मैं थोड़ी सी सेटिंग कर देता हूँ। ये देखें इसके बाद मैंने ओके कर देता हूँ। तो अगर आप कोई प्रीसेट भी यूज़ करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई कैमरा का प्रीसेट यूज़ करता हूँ, तो इन प्रीसेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इन पे मैंने पहले ही वीडियो बनाई हुई है और मैंने दिए हुए हैं, तो इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये वाला प्रीसेट यूज़ करता हूँ, 8 नंबर वाला, और इसकी मैं ओपेसिटी देखें यहाँ से लो कर लेता हूँ। तो ये आपने कंट्रोल जे बना के अप्लाई करना है तभी आप इसकी ओपेसिटी कम कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसे मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, तो आप इसका बिफोर आफ्टर देख सकते हैं। इसके बाद सिंपल मैं लेयर्स को मर्ज कर देता हूँ कंट्रोल ई से। मैंने दोबारा कैमरा ओपन किया है और मैं ह्यू वाले ऑप्शन में आकर थोड़े से कलर को इस तरह करूँगा। देखें और यहाँ पे आके मैं थोड़े से अपने हाईलाइट को बढ़ा दूंगा टोन कर में आके। ये देखें तो इस तरीके से आप अपनी फोटो पे एक फेक डुअल लाइट इफेक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इसका बिफोर आफ्टर दिखा देता हूँ। तो जब हमने ओपन की थी देखें हमारी फोटो इस तरह की थी, और जब हमने एडिट कर लिए देखें प्रॉपर एक रियल डुअल लाइट इफेक्ट बन चुका है। तो अगर तो आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है, कुछ सीखने को मिला है, तो लाजमी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।